और इधर एबीवीपी के 75 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर आपको बता दें, रांची के सहजनन चौक के समीप अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और महोत्सव में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याग्वल्लभ शुक्ला ने कहा कि शिक्षा को नई दिशा देने में एबीवीपी का अहम योगदान रहा है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में छात्रों का अहम योगदान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक छात्र के रूप में एक ऐसा महसूस हुआ, यही एक ऐसा संगठन है जो ज्ञानशील और एकता की बात करता है। भाजपा की संगठन जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच गुमराह करने का काम करते हैं। अब कल्पना कीजिए, आज़ादी के 2 वर्ष के बाद ये संगठन बना होगा और उसके बाद 75 वर्ष का सफ़र तय किया है। जब से मैं इस संगठन को जानता हूँ, यह एक भारत देश का एकमात्र नवजुवकों का संगठन है जिसका एकमात्र मिशन है राष्ट्र निर्माण। ये छात्र निर्माण, क्योंकि छात्र ही किसी देश के भविष्य होते हैं और जब किसी देश का भविष्य का निर्माण करना है तो हमें वहाँ के युवाओं का निर्माण करना होगा। कोई आरोप नहीं है, जो काम करता है, संघर्ष करता है तो दुश्मन खड़े हो जाते हैं। एक धारा बना रहे हैं, धारा में बहुत सारे कांटे आएंगे, वो कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं, अभी तो देश को चलाने का, संभालने का, आगे बढ़ाने का वक्त है और एक राष्ट्रीय धारा है, उसको हम मजबूत करने में लगेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र आंदोलन है और जिस प्रकार से इस देश के अंदर में शिक्षा के अंदर में व्यापक परिवर्तन और युवाओं के सिर्फ अधिकार के लिए नहीं अपितु कर्तव्य के लिए युवाओं का निर्माण इस देश के अंदर में होना चाहिए, उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी अबाबिब का 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हम अमृत महोत्सवी समारोह के माध्यम से जो नए पुराने कार्यकर्ता हैं उनके मधुर स्मृतियों के लिए इकट्ठे आ रहे हैं। देखिए, आपने बोले पुराने संगठन, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ये विद्यार्थी परिषद अभी एक बरगद के पेड़ की तरह बहुत सार्गिम, बहुत ही ये दृष्टि से, इस दृष्टि से बढ़ी हुई है कि उसको हर चीज़ को भारत के संदर्भ में, विशेषकर भारत के संदर्भ में, शिक्षा जगत से लेकर भारत के हर संदर्भ में, ये भारत सरकार को और पब्लिकों के बीच में जा करके विद्यार्थी परिषद भारत के हितों के लिए काम करने वाले संगठन है।